हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर 32 एंड डेट इज 16 सितंबर 2020। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विच वी हैव लर्नड इन लास्ट क्लासेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं उनको याद करने का एक मंत्र बताया था मैंने, क्या है वो हमारा, बोलिए जल्दी से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये है हमारा टेन थीटा। तो अब एक बार रिकॉल करते हैं हमारे सिक्स के सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे उन्हें। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मंत्र से हम देखते जाएंगे। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अब तीन के बाद हमें क्या करना है, उनके रेसिप्रोकल लेना स्टार्ट कर देना है। तो कोसिकेंट हो गया 1/sin के इक्वल, सीकेंट हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी 1/cos, एंड कॉट हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1/10। सिमिलरली हमने एक चीज़ और सीखी थी कि जो भी हम एंगल कंसीडर करते हैं, जो भी हम एक्यूट एंगल लेते हैं, उसके अपोजिट जो हमारी साइड होती है दैट इज़ अवर परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होती है जिस पे वो एंगल बना हुआ होता है दैट इज़ अवर बेस, एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज़ हाइपोटेनस। तो ये भी हम सीख चुके हैं। और हमने क्या सीखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसिकेंट थीटा, एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/ साइन थीटा, यानी वाइस वर्सा चलता है ये। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/ सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉट थीटा, ये तो हमें पता ही था। और लास्ट क्लास में हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है ये रिलेशन भी पढ़ा, किसके लिए, टेन थीटा के लिए। सिमिलरली फॉर कॉट थीटा 1/10 थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये तो हमने जो अब तक सीखा है हमने उसे रिकॉल किया। अब इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करके, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री की। तो अब देखते हैं, हमारा सबसे पहले है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है, इफ़ 7 tan φ इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin φ माइनस 3 cos φ डिवाइड बाय 7 sin φ प्लस 3 cos φ। आप हमें 7 tan φ दिया हुआ है, 7 को हम 4 के नीचे ले आए तो ये हो गया 10 φ इज इक्वल टू 4/7, और हमें निकालना क्या है, 7 sin φ डिवाइड माइनस 3 cos φ डिवाइड बाय 7 sin φ प्लस 3 cos φ। अब यहाँ sin φ cos φ दिया है और हमें निकालना है 10 φ, वो हमें वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है कि 10 φ जो है उसे हम किस ढंग से लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं sin φ डिवाइड बाय cos φ। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos φ से डिवाइड करेंगे, एक को नहीं दोनों को, जिससे वो ओरिजिनल जो उनका वैल्यू है वो चेंज ना हो। इट मींस अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो 7 sin φ माइनस 3 cos φ, इसको भी cos φ से डिवाइड करना है और इसको भी cos φ से, यानी न्यूमरेटर के जो दो टर्म्स हैं ना, दोनों टर्म्स को हमें cos φ से डिवाइड करना है। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा हमारा 10 φ, यानी आंसर आ गया हमारा न्यूमरेटर का 7 tan φ माइनस 3, माइनस का साइन है ना यहाँ। फिर अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर है 7 sin φ प्लस 3 cos φ, यानी अब इसे भी cos φ से डिवाइड करना है और इसे भी cos φ से। अगेन ये कैंसिल हो गया और sin φ अपॉन cos φ 10 φ, तो वी गेट 7 tan φ प्लस 3। अब हमें क्या करना है, सिंपली 10 φ की वैल्यू पुट करनी है। तो 7 × 4/7 और ये 7 × 4/7, ये 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, वी गेट 4 − 3 अपॉन 4 + 3, और 4 − 3 इज 1, 4 + 3 इज 7, दैट इज 1/7। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ की 10 φ इज इक्वल टू sin φ डिवाइड बाय cos φ। अब देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया है, यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R।
टेन पी माइनस कॉट आर, यानी ये है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर. ओके, ये हो गया, जिसमें क्यू जो है दैट इज़ अवर राइट एंगल. तो ये क्यू, ये पी एंड दिस वन इज आर. पी आर जो है वो हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है हमारे पास, और आर क्यू जो है वो हमारे पास नहीं है. तो सबसे पहले अब पी आर पी क्यू ये हमारे पास है, हम निकालेंगे हमारा क्यू आर. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या देखना है, हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के लॉन्गेस्ट साइड दैट इज़ पी आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. वैल्यूज पुट की, यहाँ से हमें क्यू आर मिल गया, क्यू आर स्क्वायर 25, क्यू आर हो गया रूट 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर. अब जब हमें क्यू आर मिल गया तो हम टेन पी और कॉट आर की वैल्यूज पुट करें. टेन पी, जब हम टेन पी की बात कर रहे हैं, यानी एंगल ये हो गया हमारा ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट हमारा हो गया परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर अपॉन बेस, यानी एडजेसेंट साइड पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, दैट इज 5/12. अब बारी आई कॉट आर की, यानी हमारा ये वाला एंगल, ये कॉट आर है, कॉट आर के अपोजिट परपेंडिकुलर है पी क्यू और बेस है क्यू आर, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस इज क्यू आर एंड परपेंडिकुलर इज पी क्यू, तो अगेन वी गेट क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट इज 5/12. और हमें निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर, यानी टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दैट इज 0. तो आंसर आ गया हमारे पास 0. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 3. अब इसे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. अब ये फिगर है हमारे पास ए बी सी, जिसमें हमें सी डी, ये सी है, सी डी जो है हमें एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वो भी किस पे, ए बी पे. ये ए, ये बी, इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. अब और क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. तो अब हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो क्या हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो हो गया ये ए डी सी और एक हो गया ए डी बी, दो ट्राइंगल्स हो गए. तो अब हम कॉस ए, यानी एंगल ये है कॉस, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया इसके लिए ए डी और हाइपोटेनस हो गया ए सी. तो फॉर्मूला बन गया हमारा कॉस ए इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी. सिमिलरली फॉर कॉस बी, बेस इज बी डी एंड हाइपोटेनस इज बी सी, यानी बी डी अपॉन बी सी. अब हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो इनके रेशोज भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. इट मीन्स ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे. इंटरचेंज कैसे करेंगे, जैसे ये हमें, हमने यहाँ तक तो सिर्फ सॉल्व कर लिया, अब ए सी जाएगा यहाँ और बी डी जाएगा यहाँ, तो हमें मिल गया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं के, कि दोनों एक ही चीज़ के इक्वल है, दैट इज़ कांस्टेंट के. अब हम ए डी अपॉन बी डी को के से कंपेयर करें, क्योंकि ये भी के इक्वल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ चला गया के इंटू बी डी, यानी ए डी इज इक्वल टू के बी डी. सिमिलरली फॉर ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के, बी सी यहाँ जाएगा तो ए सी मिल गया हमें के इंटू बी सी, दैट इज ए सी इज इक्वल टू के बी सी. तो ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू. अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल सी बी डी वी गेट. अब यहाँ पर आप देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में सी डी साइड जो है हमारी कॉमन है, है ना. तो हम दोनों ट्राइंगल में सी डी साइड जो है वो पाइथागोरस से निकालते हैं. तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ये मिल गया हमें. इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ए डी सी में, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस यूज़ करके. अब दोनों ही इक्वेशंस जो हैं हमारी सी डी स्क्वायर के इक्वल हैं, तो ये म्यूचुअली भी इक्वल होनी चाहिए, है ना.
तो अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारा, ये इसमें हम अपनी इक्वेशन वन और टू से वैल्यूज़ सब्सिट्यूट करेंगे, यानी हमारे पास है ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यही इक्वेशन है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ए सी की जगह हम पुट कर देते हैं के इन टू बी सी होल स्क्वायर, और ए डी की जगह पुट कर देते हैं के इन टू बी डी होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अब के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, तो वी कैन हैव कॉमन, के स्क्वायर हमने निकाल लिया, इट मीन्स बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो अब ये बन गया हमारा ऐसे, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और के की वैल्यू मिल गई वन, क्योंकि वन का स्क्वायर रूट क्या होगा, वन ही होगा। तो यानी अब हमने देखा था कि ए सी अपॉन बी सी जो है वो के इक्वल है, और के की वैल्यू आ गई वन, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी, एंड वेन द टू साइड्स आर इक्वल देन इट मस्ट बी अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने सीखा है ना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि हमने क्लास नाइन्थ में किया था। तो जब ए सी और बी सी इक्वल हैं तो ए सी के अपोजिट एंगल जो है यानी बी, और बी सी के अपोजिट एंगल जो है यानी ए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। अब बारी है क्वेश्चंस ट्राई करने की, यानी हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अब हमें एंगल बी एंड एंगल क्यू दिया हुआ है, पहले हमें कॉस ए कॉस बी दिया था, इस बार साइन बी साइन क्यू दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसे भी सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे हमारी फिगर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन वन। तो सॉल्यूशन वन में फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ये, और हमें प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो यानी जो एक्यूट एंगल्स हैं वो है एंगल बी एंड एंगल क्यू, और ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको नेम कर देते हैं ए। फर्स्ट थिंग हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया डी, ये भी 90 डिग्री, ओके। गिवन क्या है हमें, गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ओके। एंड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स, तो अब ट्राइंगल ए बी डी में हमारा एंगल बी है, तो साइन बी क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर इसके अपोजिट ए डी, यानी ए डी और हाइपोटेनस है इसकी लॉन्गेस्ट साइड ए बी, ए डी अपॉन ए बी। सिमिलरली साइन क्यू, साइन क्यू यानी इस ट्राइंगल में हमारा एंगल क्यू, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर है ए डी, और हाइपोटेनस इसकी लॉन्गेस्ट साइड दैट इज ए क्यू, ये हमें मिल गया। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, सो वी कैन पुट द रेशोस ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए क्यू, ये तो हमें गिवन था ना। तो हमने क्या किया, बस वैल्यूज़ जो हैं वो पुट द वैल्यूज़, हमने वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया या पुट कर दिया। अब हम इस ए क्यू को यहाँ ले जाते हैं और ए डी को यहाँ ले आएंगे, तो ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी, ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, वी गेट ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। अगेन अब दो साइड्स हमारी इक्वल हो गई, इट मीन्स ट्राइंगल ए बी क्यू इज एन कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया हमारा ये, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देयरफॉर ए क्यू के अपोजिट साइड है हमारी एंगल है हमारा एंगल बी, और ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल क्यू। तो एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये हमने रीज़न दे दिया। ठीक है, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना हमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हैंस प्रूफ्ड। तो ये हो गया सॉल्यूशन वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। इन मतलब पार्ट वन हमारा ये है, पार्ट टू ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन क्या है हमारा, सॉल्यूशन टू। यहाँ हमें कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा है हमारा 7/8 और फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसे ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, यानी अपोजिट। तो अब इसे हम ऐसे लिख लें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल, उसका स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 7/8 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64, हैंस प्रूव्ड, सॉल्व हो गया। यही वैल्यू निकालनी थी हमें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की अगेन वैल्यू 7/8 होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल डेट सी इन विच ए बी इज 29 यूनिट्स एंड बी सी इज 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, हमें ड्रॉ करना होगा फिगर। ये है हमारा आंसर थ्री। तो ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये राइट एंगल डेट सी, ये सी हो गया, ये ए, ये बी, ये हमें 29 यूनिट्स दिया है, ये 21 यूनिट्स एंड दिस एंगल इज थीटा। तो अब हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेनस भी है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। तो पी इज इक्वल टू 29 होल स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर। तो पी की वैल्यू आ गई, 29 का स्क्वायर हो गया 841 और 21 का स्क्वायर हो गया 441, दैट इज रूट 400। तो P आ गया हमारे पास 20 यूनिट्स, P की वैल्यू मिल गई। अब फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर। साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट करो, बेस बेस है हमारा 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिल गई हमें, 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, दैट इज 841 अपॉन 841, कैंसिल, आंसर आ गया 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहीं से जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर यूज़ की ना, कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो प्रॉपर्टी ऐसे ही हमारी हम डिराइव करते हैं। अब है हमारा इसका पार्ट टू, जिसमें हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 441 अपॉन 841, माइनस करना है इस पर 400 अपॉन 841, दैट इज 41 डिवाइड बाय 841। हो गए ये दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।